ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस कॉन्सेप्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप सेम ऐसी फोटो कैसे एडिट कर सकते हो। रिसेंटली गाइस जब मैंने इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया तो गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। एंड गाइस इसका मैं ट्यूटोरियल जो मैं लाने वाला नहीं था क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों को पोस्ट इतनी पसंद आएगी। तो गाइस आप लोगों ने जब मुझे डायरेक्ट मैसेज किया एंड गाइस आपने कमेंट किया कि भाई हमें इसका ट्यूटोरियल चाहिए, तो गाइस मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ट्यूटोरियल ला दिया जाए जब आप लोग इतना डिमांड कर ही रहे हो। तो गाइस मैं आपका ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूँ। एंड गाइस आपको मैं बता दूं कि गाइस ये जो मैंने फोटो क्लिक की तो पीछे जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है गाइस मैंने इसी बैकग्राउंड में फोटो क्लिक किया था। बट गाइस आप सभी को ऐसा कोई बैकग्राउंड ढूंढने की जरूरत है नहीं, मैं क्योंकि आप सभी को गाइस बैकग्राउंड भी इसी वीडियो में दे दूंगा। तो बैकग्राउंड में आप इसलिए बस अपना मॉडल का कटआउट आप वहाँ पे इसलिए लगा लेना। एंड गाइस मैं आपको कटआउट के साथ बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा एंड बैकग्राउंड में अपना मॉडल ऐड करूंगा इस बार, ठीक है। आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको कोई भी स्टेप स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से देख लेना वीडियो। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि आप सभी को अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट मिलते रहते हैं। एंड गाइस अगर आपके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो गाइस आप इस वाली वीडियो को जाकर देखो, ये मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज की हम नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। देन गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, इजीली आप सभी को गाइस अपने मॉडल को ले लेना है, इसका कटआउट आप सभी को पहले ही करके रख लेना है, ठीक है। एंड मैंने जैसे कर रखा है, देन उसके बाद गाइस आप सभी को ऐसे फुल स्क्रीन कर देना है, कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है। देन उसके बाद आप सबको ऊपर से जो डन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मास्क के पीएनजी जो गाइस मैं आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। आपको इजीली क्या करना, आपको सिंपली ऐड करके एंड इसे फुल स्क्रीन कर देना है, इजीली आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से एंड ऐड कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना, आपको ऊपर डन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको डन कर देना है। देन गाइस उसके बाद आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस आपको ये मास्क का पीएनजी को ले लेना, ये वाला, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। आपको फिर उसके बाद चले जाना है यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन में, एंड यहाँ पे ब्लर में जाकर आपको इसको ब्लर करना है। एंड गाइस जिसका अमाउंट होगा गाइस इसको रखना है अराउंड 8 या 9 तक, ठीक है, तो इसको मैं 8 या 9 तक रख लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर डन करते हैं। फिर गाइस आपसे उसको लगाना कैसे वो मैं बता देता हूँ। आपसे गाइस कुछ स्टेप्स इसका साइज करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपसे नीचे के साइड में कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद फिर आप क्या करना, आप सभी को गाइस आप सभी को जाना है ऐसे टूल्स में, फिर जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देनी, इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, जो साइज होगा अपने अकॉर्डिंग रख लेना आप सभी को, एंड फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आप सभी को अपने जो आपके फ्रंट साइड होगा ना, जो आपके फ्रंट फ्रंट का साइड उसके ऊपर आपको सभी को सिंपली ऐसे करके डोजिन बंद करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे फेस वेस सब जगह पे करके फटाफट से बता देता हूँ। ओके गाइस सो यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया है, अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर डन कर लेते हैं। अब गाइस इस फोटो को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एंड गाइस कलर रिटच देखना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि कलर रिटच का इसमें पूरा कमाल है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओपन करते हैं। एंड उसके बाद जाना आपको लाइट वाला ऑप्शन में, लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आप सभी को क्या करना, आप सभी को जो इसका कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना थोड़ा। एंड जो गाइस हाईलाइट होगा गाइस आपको उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ रख लेना है। एंड जो गाइस शेडो होगा आपको उसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना, आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे ब्लैक, आपको उसको सिंपली ब्लैक को कम कर देना है। एंड गाइस जो हमारा व्हाइट होगा इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन में नहीं जाना है, उसके कलर के नीचे वाले ऑप्शन में जाना आप सभी को, ठीक है, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा गाइस ये वाला, इसमें जाना है। एंड गाइस इसकी विगनेट को जो आप सभी को गाइस इस तरीके से कम करना है, ठीक है, माइनस की तरफ कुछ इस टाइप से। देन गाइस आपको इसकी थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, इस क्लियरिटी इंक्रीज करते हैं। अब जाना है गाइस आप सभी को कलर्स वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद गाइस आपको उसका थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना कलर मिक्स में। एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ डार्क ब्लू में जाना है। एंड इसका सैचुरेशन मैनेज कर देना है। एंड देखिए गाइस कितनी कमाल की फोटो हमारी बन चुकी है यहाँ पे। बट गाइस इसमें हम थोड़ा फेस वेस का कलर ही मैनेज करेंगे, तो ऑरेंज कलर में इसका सैचुरेशन माइनस, एंड येलो कलर में जाएंगे इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देंगे हम। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इस यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब डन करते हैं। एंड जाएंगे हम इसके इस वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस ऐसा करता हूं, आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।